प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। नायरा पर लगा कीर्ति के मिसकैरेज का ब्लेम। नायरा और कार्तिक प्लान कर रहे हैं टू ट्रेस द स्टॉकर। आखिर क्या हुआ इस हफ्ते, ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं? हम बताते हैं आपको कहानी अब तक। नायरा को एकेडमी से कॉल आता है कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उसे अर्जेंटली एकेडमी बुलाया जाता है। नायरा कीर्ति के साथ एकेडमी पहुँचती है तो वहाँ दोनों अंधेरे रूम में लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कीर्ति अनकॉन्शियस हो जाती है। ये साजिश उस स्टॉकर कबीर की ही है। दरअसल नायरा को परेशान करने वाले कबीर को पुलिस ने छोड़ दिया क्योंकि वो असली स्टॉकर नहीं था। नायरा और कीर्ति को वहाँ से बचाने कार्तिक पहुँच जाते हैं और कीर्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में पता चलता है कि कीर्ति का मिसकैरेज हो गया है। इस खबर को सुनकर नक्श और पूरा परिवार टूट जाता है। इस हादसे के लिए नक्श नायरा को ब्लेम करते हैं। नक्श का ये गुस्सा देखकर नायरा बहुत दुखी हो जाती है। इस स्टॉकर को पकड़ने के लिए कार्तिक और नायरा एक प्लान करते हैं। नायरा घर से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। इस अच्छे मौके को देख कबीर अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है और यही होता है नायरा और कार्तिक का प्लान कि वो स्टॉकर का पीछा करते हुए पकड़ ले। कार्तिक और नायरा की जाल से बच जाता है कबीर और भागने में कामयाब हो जाता है। कीर्ति नायरा को माफ कर देती है और दोनों के बीच सुलह हो जाती है। कार्तिक और नायरा एक और प्लान सोचते हैं और डांस ऑडिशन के बहाने डांसर्स को घर बुलाते हैं। नायरा के साथ डांस करने के लिए कबीर भी आता है और यहाँ कबीर के गले पर अपने नाखूनों के निशान देख लेती है नायरा और उसे पता चल जाता है कि कबीर ही स्टॉकर है। नायरा कबीर की सच्चाई गोयनकास को बता देती है, पर गोयनका हाउस से भी कबीर पुलिस के हाथ से निकल जाते हैं। वो गोयनका हाउस में नायरा के कमरे में ही छुप जाते हैं और नायरा को टॉर्चर करते हैं। ये जानकर कार्तिक पुलिस के साथ कबीर को पकड़ने के लिए उसके घर जाता है। गोयनका हाउस से जब कबीर नायरा को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं, तब घर की सारी लेडीज उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। तो ये थी ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी अब तक। अपने फेवरेट शोज की कहानी देखने के लिए बने रहिए टेली मसाला पर।